नमस्कार किसान साथियों, आज मैं सुबह और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे जानवर जो खा रहे हैं खाना। तो ये हमारा गौशाला और ये हमारे पास, ये हमारे जानवर को देखो, ये देखिए। मतलब और फिर मेरे जानवर सब खा चुके हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी गाय है और ये सारे हैं, खा रहे हैं। ये बहुत तेज है, ये देखिए, ये वीडियो बनवा रही है, जो बहुत तेज है ये। सभी देखते हैं मेरा भाई क्या कर रहा है, बो रहा है। ये देखिए, हमने मिर्चा लगा रखा है और मेरा भाई इसकी कुड़ाई कर रहा है। ये देखिए, हमने ऑर्गेनिक मिर्चा लगाया है इसमें। ऑर्गेनिक मतलब गोबर के खाद से लगाया हमने। ये देखिए, देसी जुगाड़ से कुड़ाई कर रहा है बिल्कुल आसानी से। दिखाना भाई, दिखाना एक बार, दिखाओ व्यूवर्स को, दिखाओ। ये देखिए, ये हमने अपने हाथों से बनवाया था और बहुत ही मतलब 100-150 में बन गया होगा ना। ये देखिए, कबाड़ से हमने सारा कुछ लिया था। ये जो पाइप है, ये दिखाना भाई, दिखाना बाबू, दिखाना इसको। ये देखिए, ये हमने मिनी कल्टीवेटर, देसी जुगाड़ का कल्टीवेटर है ये, देसी जुगाड़ का कल्टीवेटर बना रखा हमने। इससे मतलब कुड़ाई भुराई सब करते हैं हम, खरपतवार सब निकालते हैं। ये हमने देखिए, ये सरिया हमने कबाड़ से लिया था, ये मेरे 30 रुपये में तीनों पड़ गए थे और ये पाइप मुझे 50 रुपये में पड़ा था, जो आप देख सकते हैं हाथ में है। दिखाना बाबू खड़ा करके, हाँ देखो, ये पाइप है, ये पाइप 50 रुपये का कबाड़ से मिला था और 30 रुपये का सरिया, 80 रुपये पड़े थे और मेरे ख्याल से 60 रुपये इसका जुड़वा ही लिया था ना, 60 रुपये इसका जुड़वाने के लिए। जो बिल्डिंग यहाँ पे जो टाके लगा रखा है, ये बिल्डिंग किया है, देखिए आप सब, ये जो बिल्डिंग किया है इसका 50-60 रुपये लिया था। और बाकी ये देखिए, ये हमने ही खुद पीटा था घर पे, इसको नुकीला किया था ये। और दोस्तों, ये मतलब 150 रुपये में बड़े अच्छा जुगाड़ तैयार कर दिया था हम लोगों ने। और ये देखिए, इसकी बुराई, ये जुताई हो रही है इसकी, देख सकते हैं, देखें बिल्कुल आसानी से। यानी कि जो दोस्तों हम कुदाल चलाते हैं, कुदाल से बहुत आसान है इससे काम करना और बहुत जल्दी काम भी होता है। ये देखें, ये इतना, ये मर्चा है हमारा अभी, ये क्या था, हमने ठंडियों में लगाया था, तो कोई हम दवा का यूज नहीं करते हैं, नेचुरल गोबर के खाद का और गौमूत्र से जो दवाइयाँ बनाते हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं केवल। ये आप देखिए मिर्चा, ये तो अभी कई जगह हमारे मिर्चे गल गए हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक मिर्चा है, मतलब गोबर के खाद से ही बनाते हैं हम, तो कई जगह हमारे मिर्चे गल गए हैं। देखिए आप, जैसा कि ये देखिए, ये मिर्चे हैं और यहाँ पे मिर्चे गायब हो गए हैं इधर। तभी हमारे पास जो इसका बयान है, मतलब इसके बीज पड़े हुए हैं हमारे पास, तो अभी हम इसको फिर से इसमें जहाँ जहाँ गल गया हमारा मिर्चा, इसमें हम मिर्चा लगाएंगे दोबारा। अभी ये भाई मेरा इसको बढ़िया से कुड़ाई कर दे रहा है, अब इसकी कुड़ाई हो जाती है, बुआई कुड़ाई हो जाएगी तो हम इसमें मिर्चा लगाएंगे फिर से, जहाँ जहाँ मिर्चा हमारा मतलब है नहीं, गल गल गया, जो ठंडी के कारण मिर्चा सूख जो है, फिर इसमें मिर्चा डालेंगे दोबारा। तो इसी तरीके से दोस्तों, हम और भी जगह खेत में मिर्चा लगाए हैं, 100 टोटल ऑर्गेनिक मिर्चा लगा रखे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक ही मिर्चा लगाए हैं हम हर जगह। यहाँ पे देखिए, ये भी मिर्चा इधर भी लगाया हमने, अभी छोटा है पर ये भी ऑर्गेनिक ही है। ये देखिए, ये पत्तियाँ, ये देखिए, ये भी एक दाल है जिसे हम लोग बकला बोलते हैं, इसमें भी हम किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया है, ये भी बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक ही है बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें फर लगे हुए हैं, ये दिखाऊं, ये देखिए, ये इसमें फर लगे हुए हैं और ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल है बिल्कुल। और इस एरिया में भी हम मिर्चा लगाए हुए हैं, ये भी बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक मिर्चा है ये। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ताड़ी खजूर का पेड़ है
और इसमें से खजूर वाले भाई साहब ताड़ी निकालेंगे, तो उसकी सफाई उफाई अच्छे से किए हैं। और बाकी हमारे पास 3 पेड़ हैं, देख सकते हैं आप, एक इधर है और इधर 2 पेड़ हैं, तो इन दोनों पेड़ तीनों पेड़ से वो ताड़ी निकालेगा बंदा। तो अभी ये बहुत मेहनत किया इस पेड़ों में, बहुत ज़्यादा, इसमें तो कम मेहनत लगी है लेकिन फिर भी बहुत मेहनत किया भाई। और वो इसमें से ताड़ी, जो ताड़ निकलती है, देसी भाषा हम ताड़ी बोलते हैं, तो इस पेड़ से ताड़ी निकालेगा बंदा। और एक और इधर पेड़ है, इसका सफाई भी बहुत, इसमें तो बहुत मेहनत लगाया लगाया उसका। और इस बहुत ऊंचा है भाई पेड़ ये, तो भाई इस पेड़ से भी ताड़ी, मतलब ये 3 पेड़ है, तीनों पेड़ से बंदा ताड़ी निकालेगा। और फिर मैं ये बंदा काटा है बनाया है, देखो भाई साहब ताड़ निकालने आएंगे तो फिर मैं आपका आपको इसका वीडियो लाऊंगा। तो अभी मेरा भाई ये काम कर रहा है, तो दोस्तों अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आज कोई ऑर्गेनिक मिर्ची के बारे में बताया हमने, तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राम राम किसान साथियों।